हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्नो फॉर हान यूट्यूब चैनल। तो हाँ मेरे भाई, आज हम बात करने वाले रेडमी नोट 12 प्रो के बारे में। इसकी स्पेसिफिकेशन निकल के आ चुकी है, इसकी इंडियन प्राइस भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलते हैं मेरे भाई, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इस फोन का डिस्प्ले। डिस्प्ले निकल के आता है 6.67 इंचेस का POLED AMOLED डिस्प्ले प्लस 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है। तो हाँ, ये सीरीज काफ़ी मुझे सही लग रही है मेरे भाई। सभी के अंदर AMOLED डिस्प्ले यूज़ करा जा रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं अगर इस फ़ोन के बैटरी की बात करूँ, बैटरी निकल के आता है 5000 mAh का प्लस 67 वाट का एडाप्टर। यहाँ पे बता रहे मेरे भाई 45 मिनट में 0 से 100 चार्ज कर देगा, तब आएगा तब पता चल ही जाएगा। बैक साइड कैमरास की बात करूँ, ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप है। मेन जो होगा 50 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो आपको देखने के लिए मिलेगा, तो ये भी काफ़ी सही है। फ्रंट सेल्फी कैमरे की बात करूँ, सिंगल 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा आपको देखने के लिए मिलेगा। अब निकल के आता है इस फोन का फिंगरप्रिंट। हाँ मेरे भाई, AMOLED डिस्प्ले, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर हम पे दिया गया है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये भी बहुत ही सही कर रहा है Xiaomi, अपने फोन के अंदर AMOLED और इन डिस्प्ले दे रहा है। अब मैं अगर इस फोन के प्रोसेसर की बात करूँ, प्रोसेसर निकल के आता है Dimensity 8180 वाला प्रोसेसर, काफ़ी तगड़ी आपको देखने के लिए मिलती है। 5G प्रोसेसर इसमें आपको देखने के लिए मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अब मैं अगर इस फ़ोन के प्राइसिंग की बात करूँ, एंड ये चाइना के अंदर जा रहा है मेरे भाई 17,000 के अंदर 17-19 हज़ार में ये चाइना में लॉन्च होगा। इंडिया में मेरे हिसाब से 20,000 के अंदर इसका 6 GB की रैम, 128 GB स्टोरेज आएगा। तो ये आपको कैसा सही है मेरे भाई, इतनी ही प्राइस पे आना चाहिए। आएगा तो क्या आप इसे लोगे या फिर नहीं? और हाँ मेरे भाई, चाइना के अंदर ये जो 3.5 लाख स्मार्टफोन यूनिट्स जो इनके सेल हुए है फर्स्ट फ्लैश सेल के अंदर, हाँ तो ये काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इन्हें देखने के लिए मिला है चाइना में। इंडिया में मेरे भाई ऑब्वियसली इससे ज़्यादा ही बिकेंगे, क्योंकि इस बार जो है चीज़ें काफ़ी अच्छी यूज़ करी है Xiaomi ने, Redmi ने अपने फ़ोन्स के अंदर। तो हाँ, और आपको Android 12 और MIUI 13 आउट ऑफ द बॉक्स देखने के लिए मिलेगा। तो ये फ़ोन आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट बताना। मिलता हूँ आपसे एक वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय मेरे भाइयों।